विसा। यार तुम लोग ट्रिक कर रहे हो मेरे को, ये दूसरी लैंग्वेज मत लेके आओ बार बार। Hi. I forgot that you existed. मम्मी आवाज आ रही तुम्हारी? मेरी आपके लिए। Indian regional language. So drum rolls please. The language is Marathi. So without any further ado, let's get into the video. Okay, so we have all the ingredients lined up here and my cousin's gonna help me with all the instructions, and obviously the instructions are going to be in Marathi. Uske saath ek lifeline free hai aapke liye. Oh yeah, there is a lifeline too. Please bataye. Jisme agar aapko कोई मराठी का सेंटेंस नहीं समझ में आया तो एक बार इंग्लिश में सुनने को मिलेगा। As we are doing this in Marathi, we really don't know anybody, not in our house knows Marathi. So हम लोग इसको Google Translate की हेल्प से करने वाले हैं, वरना सबको इतना वो होगा कि वो इसको ढंग से प्रोनाउंस नहीं किया। Chop that fuss, we are using the Google Translator and let's see कैसे जाते हैं। So what's the first instruction? एक वाटी घ्या आणि एक आणि एकशे दोन कप मैदा घाला। मुझे मैदा समझ आया और मुझे दो कप समझ आया। ओके पेपर सुन रहे? हाँ श्योर। एक वाटी घ्या आणि एक आणि एकशे दोन कप मैदा घाला। एक वाटी एक गाने गाने दो कप मैदा खाला। मेरे को दो कप मैदे के हिसाब से दो कप मैदा लग रहा है। इसमें कुछ ऐसे नहीं दे रखा, 3/4 कप 5/6। ओके सो आई हैव अप्रोक्सीमेटली 2 कप ऑफ मैदा जिसको मैं घला रही हूँ। ओके नो पन इंटेंडेड। सो इसको हम थोड़ा सा वो करेंगे बिकॉज आई हैव डन बेकिंग। हाँ वो करेंगे। सो हम लोग क्योंकि पहले भी बेकिंग करा हुआ है इसलिए आई नो कि हमें ऐसे करना पड़ता है। ये सेकेंड टेक है, मैंने पहले में ऐसे ही डाल दिया था। टर्न विद द वन पार्ट 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 पार्ट। ओके व्हाट्स द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट? नंतर एक चमचे बेकिंग पावडर घाला। क्या लंदन? नंतर एक चमचे बेकिंग पावडर घाला। नाउ आफ्टर दिस जो मुझे समझ आया वो ये है कि समथिंग एक एंड बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इतना डलता नहीं है बट टेकिंग द रिस्क। Okay, so what's the next ingredient? एक चिमूट भर मीठ घाला। Sorry? एक चिमूट भर मीठ घाला। एलिमिनेशन राउंड। ओके आई थिंक आई वॉन्ट टू यूज माई लाइफ लाइन। प्लीज प्लीज डू इट। एड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओह माय गॉड। अपेरेंटली सॉल्ट को मराठी में मीठ कहते हैं। मीठ। ओह पिंच सॉल्ट।
और मैं डालना काफी है मीठा बनता है क्योंकि डला नहीं ना। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, एक वाटी चूर्ण साखर घाला। क्या? एक वाटी चूर्ण साखर घाला। एक वाटी चूर्ण साखर खला। साखर ये क्या है हमारे पास? पाउडर शुगर बच जाता है ये। सो मी यूजिंग दिस कैस्टर शुगर और पाउडर्ड शुगर, वट एवर यू लाइक टू कॉल। इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस जैसे क्योंकि सब हिंदी से थोड़ी थोड़ी रिलेटेड होती हैं, बेसिकली संस्कृत से सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो रिलेटेड होती हैं, तो इतना इशू नहीं पड़ता समझने में। लाइक अगर कोई बांग्ला भी बोलते तो थोड़ा थोड़ा समझ आता है, थोड़ा थोड़ा। लेकिन गुजराती के मैं तुमको प्रेम करू छू माला जाऊ जाना घर ये तब से नेक्स्ट। एक आणि एक छे चार उतार दूध घ्या। कर लो नेक्स्ट। क्या? एक आणि एक छे चार उतार दूध घ्या। चार उतार दूं क्या? चार उतार दूं क्या? What I understand is 1 1/6 cup of milk. यार इसको छान लूं क्या? थोड़ी सी मलाई आ गई। छान के तो डाला कैसे है ये मलाई? पहले तो छान के डाला था, फिर हाँ नहीं आई होगी। अब वापस मत डालना, इसमें मैदा मैदा आ गया। दुधात 2 टेबल चमचा लोणी घाला। सब्जी घाला, चमचा लोणी घाला। ओके, इसमें मुझे जो लग रहा है यहाँ पे बचा हुआ है जस्ट द बटर, तो मैं अपने दिमाग लगा के सिर्फ ये यूज कर रही हूँ। ओके, सो आई एम पुटिंग 2 spoons ऑफ this is the consistency that we have. There is an instruction. कोरड्या मिश्रणात दूध घाला आणि सतत चिकटवा. Pour the mixture. I only understood that. इसका तो KKR को डांस करने के लिए बोला चिकटवा। तो मुझे जो समझ आया वो यही है कि इसका जो हमने मिक्सचर बनाया उसको इस मिक्सचर में डालो, विच इज लाइक द ड्राई मिक्सचर को गीले मिक्सचर के साथ मिक्स करना है। सो आई लर्न दिस ट्रिक जब मैंने अपने स्कूल में एक साल के लिए होम साइंस ली थी, कि जब भी हम दो मिक्सचर्स को मिक्स करते हैं जस्ट मेक श्योर कि हम लोग इसको ऐसे चलाते रहे बीटर को। सो आई एम गोना डू दैट। बहुत धीरे धीरे आई एम पुटिंग इट इन। थैंक्स, मैंने कभी तो बेकिंग करी है अपनी लाइफ में उसके लिए, पर ना मुझे ये नहीं आता था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बैटर इज परफेक्टली फाइन, लाइक हेलो इट्स फाइन, परफेक्टली फाइन। कर लो जो भी नेक्स्ट स्टेप है ना रिग्रेट करोगी। टिश्यू पेपर ने तेल पुसून टाका। कढ़ाई वर पेठा घाला आणि शिजू द्या। कढ़ाई में पेठा खाला और शिजू का और लाइफलाइन नहीं है। प्लीज गाइस, कैन आई हैव वन प्लीज। दिस इज Pour the batter on the pan and let it cook. ऐसे करके कुछ बनता है जहाँ तक आई हूँ, इसको we have to let it be. Okay.
ओके सो फाइनली वी हैव आवर पैनकेक्स मेड एंड मुझे थोड़े ठीक ठीक से ही लग रहे हैं, लाइक खुशबू वगैरह तो सही आ रही है. नाउ फॉर द टॉपिंग, मैंने ये सिर्फ बनाया था सिर्फ चॉकलेट्स एंड मिल्क को मिक्स करके. सो आई एम गोना पोर ऑल ऑफ दिस. इसका टेस्ट है हम लोग आपको अभी करके बताएंगे. बाकी आई होप यू गाइज रियली एंजॉयड द वीडियो. प्लीज गिव अ बिग फैट थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब. प्लीज डू, वी आर रियली क्लोज टू 800 सब्सक्राइबर्स एंड वुड रियली मीन अ लॉट टू मी इफ वी कुड जस्ट हिट इट राइट नाउ बिकॉज वी आर नॉट टू लेट टू हिट 800 सब्सक्राइबर्स. सो दैट वाज ऑल, आई होप यू एंजॉयड इट. टू डू.